जी मुझे इस बात का कभी वहमो गुमान भी नहीं था कि एक दिन ऐसा भी आएगा आपके साथ काम करने के बाद कि मुझे ये इंटरव्यू लेने का मनसब दिया जाएगा। मैं उसको अपने खुश नसीबी समझता हूँ और आपका हिंदुस्तान आना जो है वो आपको मालूम है कि आपके लाखों करोड़ों जो शाकीन हैं जो हकीकतमंद हैं उनके लिए बहुत बेहद ही खुशी का मौका। आपको तो मालूम है यूसुफ जी कैसा नफसा नफसी का आलम था। हाँ। घर को बसे हुए घर को छोड़ के जाने को तो किसी का जी भी नहीं चाहता। मेरे मियाँ गए मैं भी चली गई और अब यहाँ मुझे आने की दावत मिली है तो मैंने बस सरो चश्मे कबूल की और मैं आ गई। ये तमन्ना जरूर रही इतने साल 35 बरस मैंने इस घड़ी का इंतजार किया और ये दुआ मांगती रही कि या अल्लाह जिंदगी में एक बार फिर आप लोगों से मिलूं, अपने भाई बहनों से दोस्तों से। देखिए ना मैं कितनी खुश नसीब हूँ। आप जब गई थी तो मुझे वो दिन अच्छी तरह याद है, लेकिन उस वक्त ये हुमा नहीं थी, वो बैठी हुई है और हिना ये भी नहीं थी, ना इनका कोई एड्रेस था। तो उसे सारा जी भी तो नहीं थी। तू बैठी हुई तो ये जो यहाँ ही आप पुराने दोस्त अहबाब जो आपके हैं सबसे आप मिली, हम सुना कि आप वो ह्यूजिस रोड वाले और उस जी कैसे लगा आपको? हाय यूसुफ जी मैं तो कार से जब उतरी उफ, मैं तो रोने लग गई बाहर। कुछ फोटोग्राफर भी मेरे साथ थे, उन लोगों ने ही दरअसल कहा कि जी आप देखना पसंद करेंगी। मैंने कहा मैं जरूर जाऊंगी, वहाँ देखे बगैर मैं नहीं जाऊंगी वापस। मैं गई और मुझे ये हैरत हुई देखकर, और वो सब लोग भी हैरान हुए कि वही मेरे हमसाए एक हिंदू लड़की वहाँ थी। उसे तो लड़की थी चूंकि क्योंकि मैं भी लड़की थी। अब वो बेचारी वो तो आपका प्यार है आफ्टर 35 ईयर्स। वो लोग निकल आए बाहर सुनकर नूरजहाँ आई है, तो इतनी वो रोई मुझे गले लग के जैसे कोई सगी बहन रोती है। और उनकी बच्ची मेरे बच्चे के साथ उन दिनों में खेलती थी, वो भी मुझे हालत 3 बरस के बच्चे को तो पता ही नहीं होता, इतना गले लग के मेरे रोई है। और वो सारे पूछने लगे कि आपने इतना प्यार दिया इन लोगों को क्या अब तक इन्हें याद है। वो कहने लगी कि हम ये चाहते थे कि या अल्लाह हमें इस जन्म में नूरजहाँ को फिर मिला दे। इतना वो लोग मुझे प्यार कर रहे थे, मैं तो रोने लगी। फिर मैं गई उमर पार्क में और आप भी वहाँ तशरीफ लाए थे, आपने मेरे हाथ का खाना भी वहाँ खाया हुआ। वही किचन वही है। और यह हैरत हुई मुझे देखकर कि जो मेरे घर की सेटिंग थी उन दिनों में, जहाँ डाइनिंग टेबल था, जहाँ सब कुछ वैसे ही है, हत्ता के जहाँ मेरा बेडरूम में बेड जिस जगह था वो भी उन्होंने वही उसी तरह, पता नहीं। वो कहते हैं जी हमें आप इतनी अच्छी लगती थी कि हमने आपके घर की कोई चीज उस तरह से वो सेटिंग नहीं छुई। अला हाजिर कयास, कई हमारे अहबाब जो है यहाँ से जब पाकिस्तान गए तो उन्होंने देखा कि जब वो अपने घर गए उस मकामात पर जहाँ लोग रहते थे तो उनको इतनी ताजीम और तकरीम और इतनी शफकत से लोग मिले, लोग गले मिले, रोए। ये एक एहसास जो है, ये जज्बात जो है, ये कोई ढोंग तो है नहीं, ये एक हकीकत है। और ये दलील है इस बात की कि इंसानियत जो है और इंसानी एहसासात जो हैं वो आलमी हैं, वो किसी मजहब या मुल्क व मिल्लत या किसी जात पात की कैद में मुकैद नहीं है। और यही एक चीज़ बड़ी वसी है जो कि हमारे आर्ट और कल्चर को इतना ऊंचा करती है।
हमें इस बात पे फख्र है कि आप पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान का एक कल्चरल एसेट हैं आप, लेकिन आपकी आवाज़ जो है वो एक आलमी आवाज़ है, उसका सहर जो है और उसके असरात जो हैं तमाम दुनिया के लोग जो कि मौसीकी को समझते हैं, मशरक़ी मौसीकी को उससे हिज लेते हैं, लुत्फ उठाते हैं, आपके कायल हैं। और आपके गाने में एक बहुत ज़बरदस्त रेंज है आपके गाने में, यानी जो इम्तिजाज अल्लड़पन का, बचपने का, हुस्न इश्क का, दर्द आलम का, रंज गम का, इस कदर वसी रेंज जो है, ये जब आप इस अलग अलग तरह के गाने गाती हैं तो क्या इसमें आपके एहसास जो है अल्लड़पन का गाना गाने में और दर्द रंज और आलम का गाना गाने में आपके एहसासात भी शामिल होते हैं? आप काम करके भूल जाते हैं, हम गा के भूल जाते हैं, मगर पब्लिक के दिल में ये बात रह जाती है जो भी अच्छी लगे। जैसे आप अपने आप को कितना समाते हैं एक्टिंग में, जब काम कर रहे होते हैं, है ना, करना पड़ता है ना तो उसके बाद आप भूल जाते हैं, मगर लोगों के दिल पे नक्श छोड़ देते हैं। उसी तरह गाने वाला अगर अपने आप को गाने में नहीं समाएगा तो वो बात किसी को भी याद नहीं रहेगी। और उस वक्त आपका एहसास अपने गाने में पूरी तरह शामिल, बिल्कुल पूरी तरह शामिल। अगर कोई मजाकिया गाना है जिसमें कि ज़रा खुशी ज़्यादा है, तो फिर ये ज़रूर है कि डायरेक्टर से सिचुएशन पूछनी पड़ती है कि इसे किस तरह, क्या किस तरह अलमिया है। गाने में अगर चंचलता है हाँ तो वो करना तो चाहिए। वैसे भी आप अगर चंचलता जुगनू में भी आपको तंग करती थी, हमारा कितना गमगीन सीन हो रहा होता था और मुझे डांट पे डांट पड़ती थी, फिर मैं हंस पड़ती थी। और यूसुफ जी काम कर रहे हैं, बड़े जोरों में बोल रहे हैं, अशोक सब कहते हैं अरे क्या कर रही है, क्या क्यों हंसी है, कहें मत हंसी आपको बड़ी डांट पड़ती है। फिर शोक सब कहते नहीं थे, वो तो बाकायदा चिल्लाते थे, मेरी हंसी बंद नहीं होती थी, ये सब से मुझे कहते हैं आप हंस पड़ती हैं हर वक्त। तो ये बात जहाँ तक है, जब तक अपने आप को उसमें ना समा दें वो काम बनता नहीं। चुपके से दिल में आफत रखे नजर से दूर दूर, जिनके कदम से घर घर, जिनके कदम से घर घर, वो ही घर से दूर दूर। होगी न कम ये बेकली, ढूंढेंगे हम गली गली, होगी न कम ये बेकली, ढूंढेंगे हम गली गली, छानेंगे दर बदर के खाक, छानेंगे दर बदर के खाक, आपके दर से दूर दूर, जिनके कदम से घर था घर, है वो ही घर से दूर दूर। कथा कला में एक बात आपको बताऊं, मेरा लंदन में प्रोग्राम हो रहा था, मैं गा रही थी मुझसे पहली सी मोहब्बत
मेरे महबूब नामा, तो शायद दूसरी तीसरी रो में मेरा गाना आधा या थोड़ा मैं गा चुकी थी, थोड़ा रह गया था। तो एक लड़की रोते 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 बाकायदा जोर जोर से रोने लगी कि बिल्कुल लोग हैरान हो गए। गाना मेरा ख़त्म हुआ तो अंदर आई मैं मुझे मिलने, और फिर मुझे गले लग के बहुत रोई। तो कहने लगी, वो शायद यहीं की थी, बम्बई से गई थी, वो कहने लगी, दीदी जब आप गाई हैं तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे यहाँ आग लग गई, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकी। मैंने कहा, बेटे आप बहुत रोई, ऐसा नहीं चाहिए, क्योंकि बस आग लगी है दीदी। तो मैंने कहा, तुम ये समझ के सब्र करो कि मेरे दिल में पहले, मेरे सीने में कितनी आग है इस गाने को गाते वक्त जो तुम तक पहुंची। तो इसलिए कि हमें पहले अपने आप को उतना फीलिंग मिलाना पड़ता है ना, फिर इसलिए अगले पे असर होता है। लफ्ज़ों की अहमियत जो है उनको कहाँ तक, यानी आपके आपकी क्या राय है, क्योंकि आपकी राय इसमें ज़्यादा अहम होगी कि लफ्ज़ कहाँ तक अहम है जहाँ तक के गाने का ताल्लुक। मेरा ख्याल है कि अल्फाज का बहुत हाथ है, अच्छे अल्फाज हों तो गाने वाला इंस्पायर होता है, जज्बात को अच्छे अल्फाज उकसाते हैं, और गाने के अपने भी कुछ आदाब हैं। शायरी का भी, अगर शायरी अच्छी ना हो तो मैं समझती हूँ गाना गाने वाले को वो गाना अधूरा सा, मुझे तो अधूरा महसूस होता है। आप तो खुद भी माशाल्लाह कितना प्यारा गाते हैं, जो मेरे सिवा बहुत कम लोग लेकिन जैसे आपने फरमाया कि गाने के अपने आदाब होते हैं, खासतौर से हमने देखा जब आप गज़ल गाती हैं तो गज़ल में आपके आपकी गायकी जो है वो उस आदाब को बड़ी मलहूज नज़र रखती है। होना चाहिए, गायकी तो अल्फाज को निखारती है, और उन पर अल्फाज पे गायकी को हावी नहीं हो जाना नहीं चाहिए कि वो बिल्कुल यही हमने देखा जाए। यही हमने देखा कि अक्सर गाने वाले जो हैं वो आए और शेर बड़ा उमदा है कि जब तकरीब सफर यार ने महमिल बांधा, तपिश शौक ने हर जर्रे पे एक दिल बांधा, लेकिन वो जब तकरीब सफर, जब तकरीब सफर और तकरीब तकरीब इतनी लंबी हो जाती है कि रदीफ काफिया ही रदीफ काफिया भूल जाता है। और मिसरे का मतलब और शेर का मतलब फौत हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है। अगर वो चाहते हैं, वो बतकरीब सफर इसलिए कहते हैं बार बार के जी हमारी एक तान ये आ जाए, फिर तकरीब में एक तान और आ जाए, फिर तकरीब को तीसरी तरह हम करें। अगर उन्हें यही करना है तो वो क्लासिकल क्यों नहीं गाते, सिर्फ क्लासिकल गाएं, तकरीब को तकलीफ क्यों दें? क्योंकि तकरीब तो खराब हो गई ना। तकरीब का मतलब है कि लोगों का दिल खुश हो। और या जैसे मैंने एक गाना सुना था कि दूर पामे करो होके आ जाओ, तुझे दूर नहीं मुकना, बड़ी मुसीबत था दूर। मेरी एक गजल आपने सुनी, मैंने अभी मैं तो थोड़ी जी पंजाबी तो शुरू की थी जी, वो जा ये मैं सुनी थी आज जी, और सुने ना तुसी, दिल ही दिल में सुलग के बुझे हम और सहे गम दूर ही दूर। गा के एक घुट पानी पी लो, ताडे नाल तू जी गल्लां कर दे, संग सुक जांदा है। दिल ही दिल में मेरा ख्याल है, मैं कितनी खुश नसीब है, पहला टाइम है ताड़ी भी जिंदगी कि तुसी इस तरह किसी नु प्यार नाल वक्त दे और इंटरव्यू करो, और ऐ ताड़ा प्यार तुसी तो बहुत सारे इंटरव्यू दे चुके, लेकिन मैं पहली बार ले रहा हूं। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं नहीं, मेरी खुश नसीबी है ना, तुसी अन्ना मैनु प्यार दियो और इस कदर उनस और खलूस है तानु मेरे नाल, मैं सारी उम्र नहीं भूल सकती। सुनावा फिर तां दूर ही दूर, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਸ਼ਾ ਇਹ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਿ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੈਂ 10 ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣੀ, ਔਰ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਠ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅੱਜ 5-6 ਦੇ ਦੇ, ਤੂੰ ਉਹਨੇ ਸੁਣ ਲਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। लग के बुझे हम
और सहे गम दूर ही दूर, दिल ही दिल में सुलग के बुझे हम, और सहे गम दूर ही दूर, तुमसे कौन सी आस बंधी थी, तुमसे रहे हम दूर ही दूर, दिल तो मैं कह रहा दूर तो ना क्या क्यों ऐसी नजदीक हुई है, फिर दूर जा तो मेरा है नहीं मतलब के तौबा नऊज़ बिल्ला के मैं कोई गुरूर कर रही हूँ, मेरा सिर्फ ये मकसद है बहुत सारे अच्छे ने मगर मेरा अपना ख्याल है। मौजूदा मौसीकी के बारे में फिर मैं उर्दू में आ जाऊँ, लोग बोलेंगे पंजाबी बोलने लगेंगे कि उसके बारे में आपकी क्या राय है, ये जो जदीद मौसीकी जिसको कहते हैं ढन 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 और कुछ अजीब उसमें कुछ अंग्रेजी की अंग्रेजियत है, अंग्रेजियत भी नहीं कभी कुछ उसमें, अफ्रीकन इन्फ्लुएंस है कभी साउथ अमेरिकन इन्फ्लुएंस है, जायज है, तो इसके बारे में आपकी आपकी क्या राय है? देखिए यूसुफ जी, जैसा हंगामे का दौर है वैसे ही हंगामे की मौसीकी है वैसे शोर और हंगामा हर तरफ है, रेले हैं, लारियां हैं, मोटरें हैं, जहाज हैं, शोर ही शोर है। हाँ, मिले भी चलती हैं तेज तेज, लोग भी आते हैं, गाड़ियां आती हैं जाती हैं, उसी हिसाब का म्यूजिक भी हो गया, क्योंकि आजकल की पौध ये चाहती है तो उनके लिए कुछ ऐसा उनकी खुशी में स्पीड बढ़ गई करना ही चाहिए, तमद्दुन की दरअसल स्पीड बढ़ गई है और राग रागनियां एक ठहराव मांगती हैं जी, उनका एक अपना वक्त है और सुकून है वो जो आज बिल्कुल नहीं है, बड़ी अहम बात उसमें एक सुकून कि वो एक सुकून मांगती हैं, वो एक ठहराव मांगती हैं और वो दौरे हाजिर में है नहीं, और वो हमारी तहजीब और तमद्दुन में से ही वो अंसर जो है सुकून का उठ गया। बाहर कैफ जो मौसीकी आपकी मौसीकी जो कि एक तारीखी चीज़ है, आप हैं और भी बहुत से नाम हैं हमारे मुल्क में, लता मंगेशकर जो आपकी सहेली है और बड़ी पुरतफाक आपकी मुलाकातें होती हैं, मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपकी मौसीकी में ट्रेनिंग को कितनी अहमियत है? ट्रेनिंग तो बड़ी ज़रूरी चीज़ है यूसुफ जी, ट्रेनिंग तो बच्चा पैदा होता है तो उसको भी उसकी तोतली जबान से ही ट्रेनिंग शुरू करा देते हैं कि यूँ नहीं कहना यूँ कहना है, और इसी तरह बच्चा सीख जाता है कि वरना जबान तो मैंने यही देखा है कि बच्चा वही सीखता है जो माँ बाप सिखाएं, इसीलिए ट्रेनिंग तो और ख़ासकर जो गाने की ट्रेनिंग है वो तो बड़ी मुश्किल है, उसके लिए तो काफ़ी बचपन से ही इसको किया जाए तो क्लासिकल म्यूजिक आता है, इसको फाइन आर्ट्स भी कहते हैं इसलिए। और जिससे मुझे ये भी कहा जाता है कि आपकी बेटियां क्यों नहीं गाती, तो माशाल्लाह बड़ी बड़ी होकर तो उन्हें अगर हम कहीं के सीखो, हमें बचपन था और उस्ताद को सर पे बिठाने के लिए एक रोग होता है जो जैसे बचपन में आप लोगों को पढ़ाने के लिए भी एक रोग होता है, बस्ता लेके जाएंगे कि नहीं तो मार पड़ेगी, ऐसे ही बच्चे को सिखाया जाता है। अब ये बड़ी बड़ी बच्चियाँ तो इतना वक्त ही नहीं इनके पास कि वो बंद के हमारी तरह 10-10 घंटे रियाज करें, जो हमने किया है जी किया था बचपन में, तो अब मैं उस वक्त करती हूँ जब मेरे 2-2 और 3-3 गाने रोज होते हैं, तो ये बजाते खुद भी रियाज है आवाज़ के मंजने के लिए, और जब मैं देखती हूँ कि मैं महीने भर के लिए बाहर जा रही हूँ या 2 महीने के लिए बाहर, तो मैं ज़रूर बाजा और साथ सकती रखती हूँ साथ कि मैं आवाज़ कम अज़ कम लगाती रहूँ, जिससे कि ये तो ऐसा है यूसुफ जी ना करो जैसे उस्तादों से सुना था कि एक दिन छोड़ो तो 21 दिन छोड़ देता है, ये बड़ा बेवफा काम है मौसीकी का। दुनिया मेरी जवां है आबाद।
आपके उस्ताद रहे हैं, कुछ तो हम उनके बारे में जानना चाहेंगे, लेकिन हर किसी को वो उरूज और वो कमाल तो हासिल नहीं होता, तो इसमें आवाज एक खुदादाद चीज हुई। बिल्कुल, आवाज तो देखिए खुदादाद है, ये अपने नसीबों की बात, इसे समझिए बस अल्लाह की देन है ना, तभी काम बनता है। सबसे पहली बात यह है, लाख सीखा जाए, बरसों मेहनत की जाए, कुछ नहीं पल्ले पड़ता। मेरे उस्ताद जी जो हैं गुलाम मोहम्मद साहब, जिनकी मैं गंडा बंद शागिर्द हूँ बाकायदा, गुलाम मोहम्मद साहब है मेरे पास हैं, मैं इतनी खुश नसीब हूँ, शुक्र है उनकी, अल्लाह ज़िंदगी करे, मेरे पास हैं, और यकीन जाने मुझे उनसे बेहद बेइंतहा प्यार है। वो कभी चले जाएँ दो चार दिन के लिए गाँव तो मैं उदास होती हूँ, और उनकी शफ़क़त और मोहब्बत और उनकी मौजूदगी मेरे लिए बायस से मैं खुशी है। मगर यह कि उनकी और कई 500 शागिर्द हैं, उन्हें आया ही नहीं, उन्होंने कुछ भी नहीं सीखा, उनका नाम ही नहीं हुआ, इसलिए कि अल्लाह ताला की मेहरबानी अगर शामिल हाल ना हो तो मैं समझती हूँ कि अगर जहन है तो आवाज़ नहीं है, आवाज़ है तो पिकअप करने का सिक्स सेंस ही नहीं उनमें कि वो उसकी बारीकी को ले जाएं। तो उस्ताद के लिए वो बच्चा जहीन जो बिल्कुल कैमरा हो जैसे आप हैं, ऐसा होना चाहिए जिसमें छठी हिस इतनी जागती हो कि उस्ताद कुछ कहे और वो पिकअप कर ले। आज तक अल्लाह की मेहरबानी से, देखिए मैं गाना गाने जाती हूँ तो एक घंटे में गाना सीखती भी हूँ, रिकॉर्डिंग भी करवा देती हूँ, बस एक बार सुनती हूँ। लेकिन दौरे हाजिर के जो कंपोजर्स पाकिस्तान में हैं, एक बात हमने देखी कि जहाँ तक गानों का लफ्जी बैठक है, तगज़ुल का जहाँ तक ताल्लुक है, अल्फाज को बड़ी तवज्जो दी जाती है जी, तो ये जो कंपोजर्स हैं इनमें आप इम्तियाजी कंपोजर्स सब तो गिन नहीं सकेंगे मुझे यकीन है, लेकिन आपका इंतखाब रफली क्या होगा? बड़ा मुश्किल हो जाएगा यूसुफ जी, क्योंकि हर इंसान अपने तई तो अच्छा ही काम करके लाता है, और ये कहना भी नहीं चाहिए तो बुरा लगेगा फिर सब को, मगर फिर भी चूंकि जैसा आप जानते हैं मैं कुछ सच बोलने ही याद हूँ। सबसे पहले ये जो माइक है ना, इसका गाना और है, क्लासिकल और है, मेरे क्लासिकल के उस्ताद जो हैं जैसे मैंने पहले बताया, और इस माइक के उस्ताद जो मुझे माइक पे लाए पहले वो गुलाम हैदर साहब हैं, वो मेरे इस फिल्म लाइन के उस्ताद हैं। जैसे जिस बात को लता जी भी मुझे जिस लिए प्यार करती हैं कि दीदी आपको मैंने देखा और कैसे अल्फाज की अदायगी, वो माशाल्लाह इतनी जहीन है कि उन्होंने मेरी उस बात को पिकअप किया कि वाकई ऐसा ही होना चाहिए, और ये उनका बड़ा पद है माशाल्लाह, इस मकाम पे होके भी वो मुझे बहुत प्यार करती हैं और इज्जत देती हैं। तो आज पहले के जो म्यूज़िक डायरेक्टर्स थे उनमें खुर्शीद अनवर साहब, मास्टर इनायत साहब थे, नहीं बल्कि अब भी हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा काम करते हैं ये लोग, उनमें बड़े लोगों में हैं जो, और ए हमीद साहब हैं, मगर हमारी पंजाबी मौसीकी के उस्ताद बाबा चिश्ती हैं, बाबा चिश्ती साहब, जिन्होंने मैंने जाकर वहाँ यही देखा कि पहले जो उन्होंने म्यूज़िक दिया बहुत खूब, वही उस्ताद हैं पंजाबी मौसीकी के, उसके बाद उनमें बहुत ज़्यादा पंजाबी पिक्चरें बनने लगीं, तो रशीद अत्रे साहब जिन्होंने पंजाबी में भी उसी तरह नाम पाया और उर्दू में भी, बहुत अच्छा, अब उनका इंतकाल हो गया, अब उनके साथ ज़्यादा आए हैं वजाहत अत्रे, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करते हैं, उन्होंने अपने वालिद के नाम को और भी चमकाया। और इसी तरह हमारे नई पौद में हैं ये सब लड़के जो कि जिनका नाम इल्ताफ है, ताफो साहब उनका नाम है, और वो तबला नवाज हैं, मगर अपनी मिसाल आप हैं, कोई छू नहीं सकता। उन्होंने शौकिया म्यूज़िक दिया, शुरू किया, और वो भी अपनी जगह अपने आप को उन्होंने बहुत अच्छा इस्टेब्लिश किया। नज़ीर अली हैं, उनका अपना ढंग एक ऐसा है जिसमें सैयोनी मेरा माही मेरे पाक जगावन आग, ऐसा तो सुने उन्हें बहुत अच्छा, और धमाल खासकर जो बनाते हैं शहबाज कलंदर सही बाबा की, वो उन पे ख़त्म है।
और गजलों में जो मैंने आपको टेप दिया, नजर साहब हैं, वो अपनी मिसाल आप हैं, वो इन चीजों से हटके हैं। इसी तरह ये सारे शायरों में हमारे अब तीन शायर हैं जिनमें ख्वाजा परवेज साहब हैं, बहुत बहुत ही अच्छा लिखते हैं। हज़ी कादरी साहब हैं, वो तसव्वुफ की तरफ उनका ज़्यादा, अपनी जगह बहुत, अहमद राही हैं, वारिस लुधियानवी हैं, ये लोग बड़े अच्छे लिखने वाले हैं। और एक मेरी नई पिक्चर अभी आई, साला साहब, जिसका मैंने आपको टेप दिया, चौधरी इस्माइल उनके प्रोड्यूसर हैं, उनके भी बड़ी अच्छी पिक्चर चली। और बाकी इसी तरह पंजाबी ज़्यादा बनती हैं, मगर ये कमाल के धुनें बनती हैं आजकल वहाँ। नूरजहाँ जी, यहाँ बहुत शोहरत है कि जो नए कंपोजर्स हैं, ख़ासतौर से नए पंजाबी शोरा जो हैं, इनके कलाम में बड़ी उपज है, बड़ी नई नई और उम्दा तरकीबें इस्तेमाल की जा रही। मैं चाह रहा था कि जैसे आपने एक पहले एक मौका दिया लोगों को सुनने का, आप अब भी एक मौका दें कि कोई पंजाबी गीत जो आप सब तो गा नहीं सके, लेकिन कुछ कुछ ना कुछ सुना दें। मैं तो कभी भी मैं इनकार नहीं कर सकती, पता है ना मुझे, मैं गाना पढ़ती हूँ, रिकॉर्ड करा देती हूँ, फिर याद नहीं रखती। एक आध कोई लफ्ज मुझे याद होगा, जिसका भी मैं कुछ याद कहना तो नहीं हूँ। ये नजीर अली का गाना है। अच्छा। जो मुझे थोड़ा सा याद है। अच्छा। जरा ननु थोड़ा जा याद है। तुसे इरशाद करो ना। पंजाबी जड़ा गाना है उन्होंने तो फिर इस तरह ही खुल के आवाज़ ला के ते गाया जाता। उन्हें इस तरह ही जड़े पहली गल साड़ी सी गजल गाउन का होर अंदाज है, ठुमरी का होर अंदाज है, हम तो माशाल्लाह बड़ा समझ ही गाने दी। लेकिन एक मैं अर्ज कर के पंजाबी तो फिर सी मैं उर्दू बोलना शुरू कर दिया। हाँ जी बोलो पंजाबी। बोलो मोहब्बत और शफकत का एक बहुत बड़ा कर्ज थोड़े से बाकी है लोगों ने, क्योंकि कुछ लोगों ने महदूद तरीके से सुन लेता, और बहुत से ऐसे लोग हैं करोड़ा जो ये इंटरव्यू भी देखेंगे और उनकी उनकी तशनगी जो है वो पूरी नहीं होगी, और उनकी शफकत और मोहब्बत का कि आप एक हद तक मखरूज हैं, कर्जदार हैं। कर्जदार हूँ तो और कोई उसका भी कोई एक वक्त होता है ना, अभी तो मैं सोच कर नहीं आई। हम तो आपसे सिर्फ एक वादा चाहते हैं कि आप उस तशनगी को या उस कर्ज को अगर अगर गर्दानते हैं कि वो है अपनी जगह, तो उसको पूरा करेंगे। बिल्कुल है, बिल्कुल है जी। मेरी आवाज़ देखिए आवाम की अमानत है, यहाँ भी वहाँ भी मेरा फन, मेरी आवाज़ इन्हीं लोगों की अमानत है, मगर उसको अदा करने का कुछ सिलसिला यूँ ही है।
फिर मुझे कभी ये लोग बुलाएंगे इंशाल्लाह। मैं अपनी गवर्नमेंट की इतनी एहसान मंद हूँ, उन्होंने मुझे भेजा, हुकूमत पाकिस्तान की भी उन्होंने मेरी अर्ज को मंजूर किया। और यहाँ भी साहब ने मुझसे कहा कि तबरुकन गाएंगी इस आपकी महफिल में, और जब कभी भी आपको किसी मकसद के लिए ज़रूरत हो, किसी नेक मकसद के लिए, तो फ़रोग देता है हमारी बाहमी लोगों, क्योंकि कल्चर वही है, एहसासात वही हैं, जज्बात वही हैं, तो उस एक बाहमी सिलसिले को जो कि सोशल भी है, सिविक भी है और पॉलिटिकल भी कह लीजिए, खैर मैं सियासी अल्फाजों से गुरेज करूँगा, कि वो उस बाहमी ताल्लुकात को फ़रोग देता है जो कि इंसानियत का एक इंसानियत का रिश्ता है, एक इंसानियत का और जज्बात का रिश्ता है। और मैं चाहूँगा कि आप जाने से पहले, इससे पहले कि हमारा ये इंटरव्यू ख़त्म हो, आप इन आवाम के लिए जो करोड़ा इंसान जो आपके अकीदतमंद हैं, आपके परस्तार हैं, और जो बाजी आपने देखा कि कितनी हलचल मची है, मोहब्बत मुझे मिली है, आप उनके लिए कोई अगर पैगाम देना मुनासिब समझें तो बड़ी इनायत होगी, कोई मोहब्बत का शब्द। मैं मेरे पास अल्फाज ही नहीं, मैं कोई मुनासिब अल्फाज नहीं कि मैं इनका प्यार का शुक्रिया अदा कर सकूं। देखिए मैंने कितना शिद्दत से महसूस किया है इनका प्यार, और मैं अगर इतना सोचती थी मिलेगा तो उससे हज़ार दर्जे ज़्यादा मिला। मैं तो अपने आप को इतनी खुशनसीब समझती हूँ, और मगर इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगी कि वहाँ पर भी मुझे लोग इसी तरह प्यार करते हैं जितना यहाँ पर, इससे भी ज़्यादा मिला जो मैं सोचती थी। और मैं यहाँ की भी गवर्नमेंट की बड़ी मशकूर हूँ, इन लोगों ने भी मुझे इतना इजाज़ दिया, इतना प्यार दिया, और मैं ये प्यार लेकर जो जा रही हूँ आवाम का, ये ज़िंदगी भर मेरे साथ रहेगा। मैं इन घड़ियों को बखुदा कभी नहीं भूल सकती। ये खुदादाद नेमत है आप लोगों को जो दी गई, आपके पास है, लता के पास है, कुछ और आर्टिस्ट हैं उनके पास है, और ये हुकूमतें और उनकी हदबंदियाँ या मज़हब, कौम, मुल्क और मिल्लत, ये सबसे बरतर हैं। यही एक चीज़ है जो कि बताती हैं कि हम लोग सब एक इंसानियत, एक खलूस और एक आला दर्जे की के रिश्ते और नाते में सब इंसान बंधे हुए हैं, और इंसानियत के नुक्ते निगाह को फ़रोग देती है। मैं तो खुद दुआगो हूँ कि इस किस्म की तकरीबें जो हों वो ज़्यादा हों, अल्लाह करे हमारे ऐसे ही ताल्लुकात और बढ़ें, प्यार बढ़े। और मुझे कहा गया जी आप फिर आएंगी, मैं यही चाहती हूँ कि वाकई इतने अच्छे ताल्लुकात हों, प्यार हो, ऐसे आमीन ऐसे हो जाएं, अल्लाह करे कि यही महफिलें। उसी दिन कहा जा रहा था, मैंने कहा खुदा वो दिन लाएगा इंशाल्लाह, आप लोग वहाँ तशरीफ लाएंगे, और मुझे आप लोगों ने जिस तरह फूलों से लाद दिया, मैं भरी हुई थी फूलों से, और इतनी प्यारी प्यारी शख्सियतें जिनको मैं दुआ करती थी कि एक बार फिर मिलूँ, सब लोग आप लोग तशरीफ लाए, मुझे प्यार दिया, और आप लोग आए, हम आपके रास्तों में फूल बिछाएंगे।